हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी होम्यो हेल्थ क्लिनिक में। मैं हूं डॉक्टर सविता कुमारी और आज मैं बात करूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इस टॉपिक का नाम है एक्वापंक्चर। एक्वापंक्चर क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊँगी और प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊँगी। तो टाइम को वेस्ट न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक्वापंक्चर चाइनीज मेडिसिन का हिस्सा होता है जो कि बहुत वर्षों से इसका यूज होते आया है, लेकिन इंडिया में थोड़ा कम होता है इसका यूज, लेकिन अदर कंट्री में है जो कि इसका यूज है ज़्यादा होता है, जैसे कि चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, इन सारे कंट्री में है जो कि इस चाइनीज मेडिसिन को ज़्यादा यूज किया जाता है। यह एक प्रकार की नीडल है जो कि हेयर जितना पतला होता है और हमारे बॉडी का एनर्जी कम हो जाता है, या फिर तो उसके वजह से पेन होने लगता है या फिर कई सारी बीमारियां होने लगती है, तो ये जो है मेडिसिन वो ठीक करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। पेशेंट को दर्द को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनर्जी चैनल से पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और पॉइंट को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल या स्पिरिट से पहले साफा करते हैं। उसके बाद केयरफुली उस पॉइंट में नीडल को डाला जाता है ताकि पेशेंट को किस तरह की दिक्कत ना हो, और नीडल को डालने के बाद इसे 5 मिनट छोड़ दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की एनर्जी है जो कि अनबैलेंस हो गया है वो बैलेंस में आ जाए, और बैलेंस में आने के बाद जो भी बीमारी होता है वो ठीक हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पेशेंट है और इनको हमेशा घुटनों का दर्द रहता है, बहुत सालों से है, यानी कि नी ज्वाइंट पेन रहता है, दोनों घुटनों में दर्द है इनको, और किस तरह से मैं इनको इजीली ठीक करती हूँ। और ये है चाइनीज मेडिसिन जिसको कि नीडल है, यानी कि एक छोटा सा नीडल है और इसका साइज आप देख सकते हैं कि 25x0.25 है, और ए नीडल है देख सकते हैं आप, और इसका साइज है 20x1.3 mm साइज है इसका, यानी आप ए भी नीडल दे सकते हैं और ए भी दे सकते हैं, कोई भी नीडल आप दे सकते हैं ये दोनों में से। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ए है ST 35 पॉइंट। ST मतलब स्टमक होता है जो कि एक चाइनीज लैंग्वेज है, और ए है ST 36 पॉइंट, और ए है ST 37 पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट है जो कि नी ज्वाइंट पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आप इस पॉइंट पे नीडल प्रिक करते हैं तो आपका जो ज्वाइंट पेन है वो बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं पहले केयरफुली इसे मैं स्प्रिट कर लेती हूँ, साफा कर लेती हूँ ताकि पेशेंट के कोई दिक्कत ना हो, कोई दर्द ना हो, और उसके बाद मैं नीडल से प्रिक करती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना छोटा वो नीडल है, और इस पॉइंट पे जब फील करते हैं तो इस तरह से दिखता है। ये हो गया फ्रेंड्स, और सेकंड जो ये नीडल है वो ये हो गया फ्रेंड्स, ये थोड़ा हो गया, और ये जो पॉइंट है वो 37 पॉइंट है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं केयरफुली पेशेंट को दर्द नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि एक्वापंक्चर हो, कोई भी आपका क्रॉनिक डिजीज है ठीक नहीं हो रहा है, तो आप एक्वापंक्चर को एक बार ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में भी शेयर करें। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।